नमस्कार बोला जी। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बोला जी। मैंने ना वो उसके अंदर आप मेरे को जैसा बता रहे थे कि SGOT SGPT की जो वैल्यू होती है वो तो मतलब मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। एक्चुअली वो SGOT की वैल्यू 5 to 40 यूनिट मतलब पर लीटर जो उसमें होती है वो नॉर्मल रेंज होती है, और SGPT की 7 से 56 होती है। उन्होंने 7 से 35 ले रखा है, बहुत कम ले रखी है रेफरेंस रेंज। पता तो है अगर ये? मैं ये वाली रेफरेंस रेंज लूँ तो मेरा तो नॉर्मल है फिर सर। हाँ, मैं वही तो आपको कह रहा था, यही तो मैं बता रहा था आपको कि ये सब अलग अलग अडोप्ट कर लेते हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कोई 120-80 ले रहा है, कोई 110-70 ले रहा है, सबका अपना अपना मर्जी गुंडागर्दी मच रखी है। अब मैं आपको बता ही अच्छा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका फास्टिंग और पीपी शुगर लेने का मतलब ही नहीं है, सारी दुनिया ले रही है ना, यूएसए ले में चल रही रहा है, है, बिल्कुल ले रही है। तो जबकि उसका लॉजिक ही नहीं है कहीं भी। जब हम बार बार बात करते हैं इंसुलिन की, और फिर जो लीवर से जब रिलीज होता है फिर उसकी क्यों लेते हैं? सही वो भी बात कॉमन है। आदमी को तो पता नहीं ना, उसको बेवकूफ जैसे मर्जी बनाए जाओ। तो सर फिर ये जो कैलस्ट्रॉल मेरे को इसी को फॉलो फॉलो करते रहना मेरे 5 से 6 महीने में, मुझे लगता है कि बिल्कुल और ये सब चीजें भी ओके हो जाएंगी। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि क्या वो इंटरमिनेट फास्टिंग, हाँ इंटरमिनेट फास्टिंग का रूल्स मेरे को पूरी दुनिया में कहीं पर ढूंढ के बता दो। नहीं, वो तो डॉक्टर ही कोई अपने आप ही बना रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। मतलब उसमें 8 आवर्स विंडो तो बोल रहे हैं, पर बाकी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। पानी कब पियो, कब नहीं पियो, बाकी सब भी तो इम्पोर्टेंट है। और 8 आवर्स में क्या खाना है, 2 बारी खाना है, 3 बारी खाना है, कैसे कैसे क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप थोड़ा सा देखोगे, हर चीज बीमार करने के लिए, जितने भी लॉजिक, खाने के साथ पानी नहीं पीना, एसिड लो हो जाएगा। अरे उसमें एसिड होता है, काफी हाई एसिड होता है, उसको मॉडरेट करना करने के लिए बाइल जूस होता है, तो बाइल जूस अगर उसको नॉर्मलाइज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर आपने पानी पी ओके लिया तो इट इज नॉट हार्मफुल, ओनली थिंग इज दैट देयर शुड बी अदर मेथड्स ऑफ चेकिंग कि आपके स्टमक शुगर कितना बन रहा है। मतलब अगर आप बात करो तो आप ध्यान से देखो तो हर चीज उसी तरीके से डिजाइन की गई है जिस तरीके जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े। ओके। तो ये वाले फिर मेरे को रेफरेंस वैल्यू तो इन्होंने जैसे अलग लिया, आप कह रहे थे किसी और लेवल वाले पास जाओगे उसने अलग ले कोई रखी जरूरत होंगी। नहीं है लेने की। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आपका फैटी लीवर होने की कंडीशन में जब ये एंजाइम चाहते हैं तो आपका शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करता है। अगर आपका 4.9 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम थी भी शुगर लेवल में, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ नहीं, वो इससे सॉर्ट आउट हुई है सर, वाटर मील से ना, आपके वाले डाइट प्लान से वो सॉर्ट आउट हुई है। मेरी जो शुगर लेवल 5.6 आ रहा था ना, पहले तो चलो जब मैं बीमार हुआ था सर तो वो मेरा 12 था HbA1c, और जो मेरा फास्टिंग शुगर 375 था, ठीक है। और चलो वो डाइट कर करके मैंने 5.6 पे ले आया था, बट इतना नहीं आया था, मतलब जो एक यंग अडल्ट का होता है ना, तो वो उतना इस वाले से ही आया, वाटर मिल डाइट से। तो मुझे बस और कोई कंसर्न नहीं रह गया सर, अब तो बस एक ये रह गया है कि एक तो कोलेस्ट्रॉल वाला और ये SGOT भी मेरे को, मैंने कहा चलो मैं आपसे एक बार पूछ लूं कि फिर इस हिसाब से तो ये नॉर्मल ही है। मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से जैसे जैसे आपके ये एंजाइम्स लीवर के ठीक होते रहेंगे, आपका ये कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी लीवर ही डील करता है। ये तीनों चीजें लीवर के फंक्शन से फ्लक्चुएट होती है, और लीवर ठीक होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा अपने आप। अच्छा, और लीवर के तो तो मैंने ये अभी भी डाल रहा हूँ ना, एक और पेशेंट के डिटेल्स डाल रहा हूँ उसमें, आप देख ही रहे हो उसका 8-9 दिन आज, और 70-80% इम्प्रूवमेंट भी हो गई। ओके ओके। हाँ मैंने, मेरे पास नोटिफिकेशन तो आया था सर, मैंने पता नहीं अभी देखी नहीं आपकी वो वाली वीडियो। एसआईटस का, एसआईटस करके लिखा होगा। एसआईटस, हाँ एसआईटस की तो बहुत सारी आ रही है सर, वो पेट में पानी भर जाता है ना उसमें। हाँ, उसमें जो पेशेंट है ना उनका तो 6 साल से 5 साल से इलाज चल रहा था। अच्छा, इसी का ही? और अब उन्होंने पहले दिन से दवाइयां सारी बंद कर दी। ओके, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। और और उनका क्या 60 से 70% इम्प्रूवमेंट आ भी गया इसी वजह से, तो हाँ, और उनके ये भी हर लीवर की वजह से होता है सर। अच्छा ये तो है ही लीवर की बीमारी। अच्छा एसाइटस का होता है फैटी लीवर, फैटी लीवर का सिरोसिस, सिरोसिस का एसाइटस, या कैंसर, लीवर कैंसर, दोनों ऐसे, और दोनों के दोनों लीवर का ही है मेन। तो मेरा तो सर जैसे कोलेस्ट्रॉल भी है अगर, तो वो तो ज्यादा भी नहीं बढ़ा हुआ है, वो जैसे 200 वैल्यू उन्होंने रेफरेंस दिया है तो कुछ नहीं 232 है, से मेरा आया। 275 तक गया, उसका 232 ही है। 275 पर जाने के बाद में मैंने सारे टेस्ट कराने बंद कर दिए थे, और उसके बाद में बाई चांस मेरी डॉटर का हुआ था कोई टेस्ट, उसका जॉन्डिस वगैरह का, तो मैंने उसके साथ करा लिया था, तो सारे के सारे 150-170 ठीक हो गए थे। हाँ नहीं, और ये यही सर वॉक एंड रेस्ट, आपने पीछे मुझे बोला था कि आप ज्यादा मत करो वॉक एंड रेस्ट,
तो मैंने फिर खाने के बाद वाला जो बंद कर दिया, फिर मैं कभी मतलब सुबह सुबह 4-5 बार करता हूँ और शाम को 4-5 बार करता हूँ, खाने खाने के बाद नहीं कर रहा बिल्कुल अब। कर लो, मैं कुछ नहीं, बस इकट्ठा मत करो, इकट्ठा लंबी वॉक मत करो, थोड़ा थोड़ा तो करते रहो। अच्छा मतलब ये वही 4 सेट, जैसे 5 मिनट चलना फिर 5 मिनट आराम करना, वही हाँ 4 सेट कर लेना हाँ खाना खाने जितना के बाद। करना है, हाँ जितना वो हो जाए अच्छा, स्प्रेड करके जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। तो ये वाली चीज सर एक्चुअली क्या, मैंने जैसे आपको उसमें लास्ट टाइम एक बार अल्ट्रासाउंड बताया था तो उसमें कुछ गॉलस्टोन थी, ठीक क्या है, क्या पर उसमें कुछ गॉलस्टोन थी तो उसकी वजह से तो नहीं फैटी लिवर हो रहा होगा। किसको? मैंने एक बार आपको अपना अल्ट्रासाउंड शेयर किया था ना, तो उसमें गॉलस्टोन थी, उसी में फैटी वन लीवर था मेरा। तो बाइल जूस वहीं से शायद आता है, तो उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है। अच्छा तो इसमें क्या कर सकते हैं सर, कुछ बाइल जूस बढ़ाना पड़ेगा या क्या? नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, इस चीज पे करते रहो, बस ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे सर इससे एसिडिटी गैस ये तो चली गई है ना, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अगर पित्त की पथरी रहती है, गॉल ब्लैडर स्टोन रहती है, तो वो जो बहुत ज्यादा बनती है एसिडिटी गैस, हाँ, तो वो तो वो चीज अपने आप रिलीव इम्प्रूवमेंट हो आया जाएगा। है ना। और वो शुगर लेवल मेरा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता था, वो अब बहुत अच्छा आ गया है, जो वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। तो गॉल ब्लैडर उसमें निकलवाने की जरूरत आएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गॉल ब्लैडर निकलवा के बड़े झंझट होते हैं, गॉल ब्लैडर के बारे में सोचो भी मत, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट, जब उसके बिना काम ना सर चले। मेरे को जरूर कोई पेन तो है नहीं जब से मैंने पेन, आपका ये शुरू किया वही तो ना। मैं कह रहा हूँ, पेन ही एक मेजर है जिसकी वजह से कराना पड़ता है कि आपकी लाइफ डे टू डे बेसिस पर मिजरेबल हो जाती है, अदरवाइज कोई भी समझदार आदमी इसको नहीं बोले, क्योंकि इसके गॉल ब्लैडर के बाद में आपका पूरा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है ना, कि आपके एसिड जो पेट में खाने के साथ चलेंगे, आपके इंडस्ट्री में जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो डैमेज तो करेंगे ना सारे को, सही बात है। और फिर एसिडिटी प्रॉब्लम अनमैनेजेबल सी हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, गॉल ब्लैडर को कहते हैं, पहले जो आने कहते थे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज की डेट में नहीं, मेरे पास कई सारे लोगों का फीडबैक है। अच्छा कि नहीं करा हुआ है। ना, ये तो डॉक्टर का भी, एक और डॉक्टर भी है, वो भी ये कहता है नहीं, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, निकलवाने के बारे में सोचो भी मत। अच्छा जी। तो सर इससे ये जो वाटर मिल डाइट है इससे वो तो है ही नहीं, मतलब पेन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करने की जरूरत, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे पेशेंट है और इसी चैनल के ऊपर जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि 70% आपका स्टमक ही डैमेज हो गया है, और आपको अच्छा सर्जरी के अलावा कोई तरीका नहीं, उसको रिसाइज करके छोटा करना पड़ेगा, और 5-7 दिन में ठीक हो गया हो। अच्छा जी। ये मेडिकल वालों की बात छोड़ दो, अभी मेरे को ना कहीं जाना है, किसी बात की अच्छा ठीक है सर, आप डॉक्टर। अपना सॉरी सॉरी नहीं, आप अपना जो टाइम कहीं लीजिए। मैंने ना आपको वो जो एक्चुअल वैल्यूज है ना नेट पे से मैंने निकाल के देखी हैं, तो आपने भी सही बताया था, बस मैं उसी लिए आपको कॉल किया था। हाँ, थैंक ठीक है सर, आप जाइए। ठीक है यू, सर, ओके सर, थैंक यू सर।